स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट स्टेप पार्ट तक हमने कर लिए थे। आज हम 11 पार्ट की तरफ आते हैं और 11 पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो एडिशन है वो यूनिफॉर्म ऑफ ऑक्टल सिस्टम है। बेस 8 में आपके पास इसकी एडिशन है, अब आप इसको ऐड करें। बेस 8 में जैसे आपने बाइनरी में ऐड किया है, जैसे आपने बेस 5 में ऐड किया है, इस तरह उसी तरह आपने बेस 8 में आपने ऐड करना है। तो आप 5, 6, 3, 1 ऊपर लिखें और 2, 4, 5, 6 इसको नीचे लिखें और इसको देखें आप ऐड कैसे करेंगे। अब आपने ऑक्टल सिस्टम को ये पढ़ा है कि ऑक्टल सिस्टम में जो डिजिट होते हैं वो 7 तक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। इसमें अगर आपके पास 8 या ग्रेटर देन 8 आ जाता है, 8 या ग्रेटर देन 8 आ जाता है, तो आपने उसे बेस 8 भी चेंज करना है, यानी ऑक्टल सिस्टम में चेंज करना है। कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पे 6 को 7 में ऐड कर रहे हैं, 7 देखिए वो 8 से छोटा है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 7 का 7 आ गया, 5 + 3 8 आ गया। अब 8 में देखिए डेसिमल ऑक्टल सिस्टम में 8 नहीं आता, 8 को आप 8 के निजाम में चेंज करें तो ये 10 आ गया, 0 यहाँ पे और 1 पे। तो 4 + 6 10, 10 + 1 11, ये भी 8 से ग्रेटर आ रहा है, तो 11 को भी 8 के बेस में चेंज करें। 8 बता रहे हैं और 3 यहाँ पे कह रही है, सॉरी 3 इसका रिमाइंडर है, तो 3 यहाँ पे और 1 इसमें आपके रिकॉर्ड है। 2 + 5 7 7 + 1 8, 8 को आपने सिस्टम में चेंज किया है तो 1 0 और साथ इसका बेस 8, ये जरा आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से फिर इसका 12th पार्ट देखते हैं। इससे कैरी करवाया तो 8 इसमें से किया, तो 8 और 3 11, 11 में से 7 निकाले,
ये जरा फैक्टर सिस्टम की आपने सब्ट्रैक्शन की। अब इसी तरह एक पार्ट हम देखते हैं फैक्टर सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें दो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के, मैं एक का पार्ट आपको करवा रहा हूँ, थर्टीन पार्ट है, ध्यान से आपने इसे करना है। 4, 6, 7, 2 बेस 8 शुरू के चैप्टर में, शुरू के जो चैप्टर था हमारा पहला थीम का टॉपिक
4 multiply 5 plus 4 multiply 5. आपको पता है नंबर को आपने उसके डायरेक्ट बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां से आप पावर लगाएंगे मेरे ख्याल में आपको मेथड याद आ गया होगा। तो 2 और 5 की पावर 23 प्लस 5 की पावर 3 125, 2 5 की पावर 225, 4 5 की पावर 115 और 5 की पावर 0 1 125 टू आर 50 25 टू आर 50 4 5 आर 20 4 1 आर 4। इनको आप ऐड कर लें देखिए 250 आर 250 प्लस 3 300 24। ये इस तरह आपने इसे बेस में चेंज कर लिया, अब आपके पास डेसिमल में आ गया। इस तरह अगर आपके पास 1 2 4 3 है इसको भी आप डेसिमल में चेंज करें, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ये बेस 5 था, 1 मल्टीप्लाई 5 2 5 4 5 3 5। तो अब आप यहां पे पावर लाइन 0 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 125, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 25, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5, 3 5 की पावर 0 ये मल्टीप्लाई करेंगे 125 25 टू आर 50 4 5 आर 20 3 1 आर 3। इसको जब आप ऐड करोगे तो 125 प्लस 50 175 175 और 23 को अगर आप ऐड करें तो 198। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास जैसे मन में आ गया। अब हमारे पास ये चीज बचती है, इसको भी मैं जैसे मन में लाता हूँ। आपने नीचे इस स्टेप पर ना यहाँ जगह कम है, अब मैं 1 1 0 1 1 1 बेस 2 इसको चेंज करता हूँ। तो ये देखिए क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पावर 10 0 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 आपको पता है 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 1 और 2 की पावर 0 1। तो 32 मतलब 32, 16 मतलब 16, 0 8 मतलब 0, 4 मतलब 4, 2 मतलब 2, 1 मतलब 1। इसको सबको ऐड कर लो, 16 16 4 20 23 और 32 में ऐड किया 55। तो ये आपके पास सब नंबर्स को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया। अब आप फ्रॉम 1 पे आए, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम क्वेश्चन 1, फ्रॉम 1 पे आप क्वेश्चन लिखिए फ्रॉम 1 जिसे आप नंबर 1 बना देंगे। लेकिन 635 आपके पास पहले से ऑलरेडी डेसिमल में है, 635 माइनस 9 का 2244 को जब आपने बेस 5 में चेंज किया है, डेसिमल में चेंज किया है, 324 लिखे इसकी जगह प्लस 1243 को आपने चेंज किया 198 प्लस 110 इसको चेंज किया तो आपके पास 55। तो स्टूडेंट यहां से अगर आप देखें ये तीन टर्म्स इसमें प्लस किए हैं, 635 198 और 55, इनको आप ऐड कर लें। कैलकुलेटर से यूज करें या बेहतर होगा आप कैलकुलेटर यूज ना करें। 198 और 55 ये तीन टर्म इसमें प्लस की हैं, तो मैं ये ऐड कर रहा हूं 888 और माइनस 324, इसमें से 324 आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 564। तो स्टूडेंट ये आज का आपका टॉपिक है, ये फर्स्ट नेक्स्ट 5 पार्ट्स हमने किए हैं। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बाकी भी है, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। ये आज का हमारा टॉपिक है, ये लेक्चर हमारा खत्म है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है